नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा में ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए मेकर्स नए नए ट्विस्ट और टर्न्स रोज लेकर के आ रहे हैं। इन दिनों अमेरिका में अनुपमा जेल की हवा भी खा चुकी है। इतना ही नहीं, अनुज को तोशी के खिलाफ सबूत भी मिल गया है। अब बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अनुज अनुपमा को बताता है कि चोरी तोशु ने की है। ये सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुज अनुपमा को वो सीसीटीवी फुटेज भी भेज देता है जिसमें तोशु अनुपमा के बैग में चोरी वाला नेकलेस डाल देता है। ये देखकर अनुपमा टूट सी जाती है। आइए आपको अपकमिंग एपिसोड के बारे में विस्तार से बताते हैं। तोशु नहीं सम्मान को चुनेगी अनुपमा। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा सड़क पर बैठकर खूब रोती है और तभी वहां पर यशदीप आ जाता है। इस मौके पर अनुपमा यशदीप को बताती है कि चोर मिल गया है। फिर वह यशदीप को वीडियो दिखा देती है। ये देखकर यशदीप भी यार हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि शायद तोशु ने किसी प्रेशर में आकर के चोरी की होगी। जिसके बाद अनुपमा तोशु द्वारा गुंडों से पैसे लेने की बात यशदीप को बताती है और बोलती है इससे तोशु को चोरी करने का लाइसेंस तो नहीं मिल जाता है। दूसरी तरफ अनुज इंडिया में श्रुति का ध्यान रखता है और साथ ही इवेंट में हुई अनुपमा की गिरफ्तारी को बताता है। तोशु को जोरदार थप्पड़ मारेगी अनुपमा। टीवी सीरियल अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा यशदीप से अलग होकर सीधा तोशु के घर पहुंच जाती है। अनुपमा को देखकर तोशु ज़्यादा घबरा सा जाता है और वह सभी को बताती है कि उसे कुछ दिखाना है। इसके बाद अनुपमा वो वीडियो सबको दिखाती है जिसमें तोशु चोरी करता हुआ दिखता है। जिसके बाद अनुपमा तोशु को एक जोरदार सा थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ अनुज को श्रुति के डिप्रेशन में जाने का डर रहता है और इसी वजह से वह श्रुति का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है। इतना ही नहीं, अनुज श्रुति से शादी का बात भी कर बैठता है और बोलता है हम उसी दिन शादी करेंगे जिस दिन आपके माँ बाप ने तय किया था। ये सुनकर आद्या काफ़ी खुश हो जाती है। तोशु की बैंड बजाएगी अनुपमा। अनुपमा में आगे देखने को मिलेगा कि अनुपमा तोशु को खूब खरी खोटी सुनाती है। वह बदराज को भी इस बीच में आने नहीं देती है। अनुपमा तोशु को बोलेगी जब मैंने तुझे कहा था कि तूने यशदीप सर के पैसे चुराए हैं तब तू चिल्ला रहा था कि मैं चोर नहीं हूँ। तब तो तेरे पापा भी सीना ठोक के बोल रहे थे कि मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता है, लेकिन तूने फ्रॉड से लेकर चोर तक का सफर यूं चुटकियों में तय कर लिया। इस बार तुझे कुछ नहीं कहना, बस चल तू पुलिस स्टेशन और अपना सारा गुनाह कबूल कर। वहीं अब बापूजी के सामने भी आ जाएगा अनुपमा के अरेस्ट होने वाला वीडियो। इधर अनुपमा तोशी को पुलिस स्टेशन चलने का ऑर्डर देती है। उधर इंडिया में सब जगह अनुपमा के जेल जाने की खबर फैल जाएगी। पाखी शाह हाउस पहुंचकर बापूजी काव्या और डिम्पी को अनुपमा के अरेस्ट होने वाला वीडियो दिखाएगी। बापूजी अपनी बेटी के लिए परेशान हो जाएंगे। वहीं अनुज खुद आद्या को श्रुति को इवेंट में हुए कांड के बारे में बता देता है। अनुज का फैसला। अनुज का बात सुनते ही आद्या सीधा बोलेगी कि मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। अनुज हैरान हो जाएगा। वह आद्या और श्रुति को बताएगा कि असली चोर के बारे में पता चल गया है। दोनों खुश हो जाएंगी और तभी अनुज के फ़ोन पर डॉक्टर का मैसेज आएगा। डॉक्टर श्रुति को अमेरिका ले जाने का परमिशन दे देगा और अनुज को श्रुति का ध्यान रखने के लिए बोलेगा। अमेरिका जाने की खबर सुनते ही आद्या पैकिंग करने चली जाएगी। वहीं अनुज इमोशनल हो जाएगा। वह श्रुति से कहेगा तुम्हारे माँ बाप हमारी शादी देखना चाहते थे ना, हम उसी दिन शादी करेंगे जिस दिन वो हमारी शादी करवाना चाहते थे। आद्या ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगी और खुशी से झूमने लगेगी।